हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आप लोगों ने मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा। सो यस, आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर योर यूट्यूब वीडियोस यूजिंग पिक्सआर्ट। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट करें। सो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से वो शेयर किया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली वी विल ओपन द पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होता है आपको नीचे प्लस साइन मिलेगा, उस प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। थंबनेल बनाने के लिए हम लोग पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको कुछ फ्री बैकग्राउंड्स मिलेंगे और कुछ पेड बैकग्राउंड्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग फ्री बैकग्राउंड्स ही यूज़ करेंगे। तो इसमें से मैं कलर्स चूज़ करूँगी, तो यहाँ पर मैंने पीच कलर चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको टूल्स दिख रहे हैं नीचे, उसमें से हम लोग फिट ऑप्शन में जाएंगे। यूट्यूब का जो फॉर्मेट होता है वो 16:9 के रेशियो में होता है, तो हम लोग रेशियो में जाके 16:9 पर क्लिक करेंगे। सो जैसे आपने देखा कि बैकग्राउंड में अभी भी वाइट कलर था, तो मैंने यहाँ पे कलर पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से पीच कलर चूज़ कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको टिक मार्क दिखेगा, उससे हम लोग ये फॉर्मेट सेव कर लेते हैं। अब हम लोग इस पर फोटोज़ या पिक्चर्स ऐड करेंगे। जो भी नीचे टूल्स दिए हुए हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि ऐड फोटो का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप गैलरी में पहुंच जाओगे। गैलरी से आप कोई भी अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी दिवाली का जो थंबनेल है वो क्रिएट करने वाली हूँ, सो इसमें से मैं अपने फ़ोटोज़ सिलेक्ट कर लेती हूँ जल्दी से। सो यहाँ पर मुझे ये दो फ़ोटोज़ लगेंगे, तो मैं इसमें दो फोटोज़ को सिलेक्ट कर लूँगी और जो ऊपर ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पर क्लिक करते हैं ये दो फोटोज़ यहाँ पे आ जाएंगे। सो इन फोटोज़ के पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, तो उसे हमें हटाना है। तो जो फर्स्ट फ़ोटो का जब मैं कटआउट ले रही थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो कोई बात नहीं, मैं सेकेंड फ़ोटो का आपको कटआउट दिखा देती हूँ। सो फर्स्टली हमें उस फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे के टूल्स में ऑप्शन मिलेगा कटआउट का, तो कटआउट पर हमें क्लिक करना है। देन कटआउट के बाद यहाँ पे पर्सन, फेस, क्लोथ्स ये सब ऑप्शंस है, तो हमें पर्सन कटआउट करना है, तो हम पर्सन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, ब्रश का ऑप्शन है। अगर ब्रश से आपको कहीं कलर फिल करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आजू बाजू आपको कहीं पे कलर दिख रहा है तो इरेजर से आप इरेज भी कर सकते हैं। देन यहाँ से हम लोग फोटो सेव कर लेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं फोटोज़ को। दोनों फोटोज़ को मैंने इक्वली एडजस्ट किया है। तो जब फोटोज़ अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल लुक का थंबनेल क्रिएट कर रही हूँ, तो हम लोग यहाँ पे जो नीचे टूल्स दिए हुए हैं उसमें से हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिवाली फेस्टिव लुक, एंड ऊपर जो आपको टिक मार्क दिख रहा है उससे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेव हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दिवाली फेस्टिव लुक को भी एडजस्ट कर लेते हैं। एंड एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स, कलर्स, स्ट्रोक ये सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं इसमें से जो कलर है वो ब्लैक कलर का चूज़ करूँगी, क्योंकि ये बैकग्राउंड के हिसाब से मतलब अच्छा भी लग रहा है, तो मैं कलर ब्लैक ही रखूँगी। एंड देन यहाँ पे आपको फॉन्ट्स दिख रहे हैं, तो आप कोई भी एक फॉन्ट इसमें से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो आपको किंग का जो ताज दिख रहा है वो आप नहीं ले सकते क्योंकि वो पेड है, तो यहाँ पे मैं स्मोकम का ही फॉन्ट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आप हाईलाइट्स भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड है। सो दैट्स इट, इसे मैंने एडजस्ट कर लिया है अच्छे से। देन उसके बाद हम लोग स्टिकर ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे। जैसे अब मैं दिवाली फेस्टिव लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा दिवाली डेकोरेशन का कुछ इसमें स्टिकर ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ से मैं एक स्टिकर ले लेती हूँ। ओके, सो हम लोग ये चूज़ कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने। सो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे भी ये एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। तो मैं इस साइड थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, थोड़ा अच्छा वाइब भी दे रहा है। देन अगेन मैं यहाँ पे स्टिकर ऑप्शन पे जाऊँगी और मैं यहाँ पे फेस्टिव वाइब्स ये स्टिकर सिलेक्ट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने फेस्टिव वाइब्स
सर्च किया है, देन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ये फेस्टिव वाइब्स का स्टिकर सिलेक्ट करती हूँ एंड हम लोग यहाँ पे नीचे के साइड एडजस्ट कर लेते हैं इसे। जब तक आप ऊपर के टिक मार्क पर क्लिक करके ये सेव नहीं कर लेते, आप कोई भी फोटोज़ या टेक्स्ट को या फिर स्टिकर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार वो सेव हो जाए तो उसके बाद आप इसे मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि फ़ोटो ज़्यादा ही उस साइड चला गया है। सो या दैट्स इट। देन यहाँ पे स्टिकर में आपको बहुत सारे एरोज़ के भी ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं स्टिकर में जाके एरो सर्च करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने वेराइटीज़ है एरोज़ के। तो यहाँ पे कुछ पेड एरोज़ भी है और कुछ फ्री है, लेकिन हम लोग फ्री ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं ये रेड कलर का एरो चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते आप इसे चेंज कर सकते हैं या फिर दूसरा स्टिकर ले सकते हैं। सो दैट्स इट। मुझे लग रहा है कि अब ये थंबनेल थोड़ा रेडी हो चुका है। इसमें और हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे सेव ही कर देती हूँ। सो हमारा जो दिवाली फेस्टिव लुक का जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है, तो इसे मैंने सेव कर लिया है। आपको फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ मैं, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलना। जो भी आपके दिल में मन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। डोंट हेजिटेट गाइज। ओके, सो 1000 सब्सक्राइबर गिव अवे इज लाइव। आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स। सारांगे।